सो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पूरा प्रोसेस, जिसके अंदर हम लोग भाई ये जानेंगे कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो बैंगलोर के अंदर फ्री इलेक्ट्रिसिटी। फ्री का मतलब क्या है कि आप लोगों को भाई 200 यूनिट तक आप लोगों को बिजली फ्री मिलेगी। अब एक दो मिथ है जो मैं आप लोगों को सबसे पहले भाई वीडियो को स्टार्ट होने से पहले क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़, इसको भाई ओनर भी अप्लाई कर सकता है, साथ में टेनेंट भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। दूसरे कई लोगों के कमेंट्स ये भी आते हैं कि अगर पहले से अप्लाई हो रखा है और हम लोगों को अप्लाई करना है तो कैसे होगा। तो आप ये कर सकते हो कि आप जो पहले ओनर वहाँ पे रहता था, अगर वो खुद का हटवा रहा है तो उनका पहले डी लिंक होगा। डी लिंक की अगर आप लोगों ने भाई वीडियो नहीं देखी है तो आई लिंक के ऊपर एक बटन आ रहा है भाई साइड के अंदर, वहाँ से आप लोग डी लिंक कैसे करना है वो देख सकते हो। मतलब अगर आप लोग घर छोड़ के जा रहे हो और अपने आधार कार्ड को भाई हटाना चाहते हो तो उसके लिए भी ऑप्शन आ चुका है, पूरी वीडियो में बना चुका हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोगों को लिंक कैसे करना है अपना आधार कार्ड, ठीक है। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप लोगों को क्या क्या चाहिए वो सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले भाई आप लोगों का आधार कार्ड, आपका हो, आपकी फैमिली में किसी का हो, एक आधार कार्ड चाहिए अपन को। दूसरा आपको चाहिए भाई अपने बिजली का बिल, ठीक है। तो बैस्कॉम का बिजली का बिल आपको चाहिए और आपका आधार कार्ड, ठीक है। बिजली का बिल मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ और फिर आप लोगों को मैं डायरेक्टली लेके चलता हूँ सीधा अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। सो गाइज, मैं ले आया हूँ भाई अपने बिजली का बिल। तो देखो इस तरीके से आप लोगों का बिजली का बिल यहाँ पे दिखेगा। तो ये पूरा का पूरा भाई एक लिस्ट सी आती है बैस्कॉम की, ठीक है। तो यहाँ पे भाई इस बिजली के बिल में ना आप लोगों को सबसे पहले एक नंबर नोट करना है जिसका हम लोग बोलते हैं अकाउंट आईडी। तो यहाँ पे मैं अपने ओनर की डिटेल छुपा देता हूँ, ठीक है। तो ये वाला देखो आप लोग दिख रहा होगा, ये जो है ये है भाई अकाउंट आईडी। इसकी हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी और हमारे को बिजली के बिल में से कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब चलो मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ भाई स्क्रीन के ऊपर और वहाँ पे आप लोगों को पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ। बाकी लिंक इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो चलो अब मैं लैपटॉप की स्क्रीन स्टार्ट करता हूँ। सो गाइस, लैपटॉप की स्क्रीन अपनी खुल चुकी है और आप लोगों को भाई सबसे पहले इस लिंक के ऊपर जाना है, सेवा सिंधु कर्नाटका गवर्नमेंट इन, ठीक है। इस लिंक का मैं आप लोगों को ये लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ से आप लोग चेक कर लेना। अब आपकी कुछ ऐसी वेबसाइट खुल जाएगी। स्टार्टिंग के अंदर आपकी वेबसाइट ना कन्नड़ में खुलेगी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले आपकी वेबसाइट कैसे खुलेगी। तो आपकी वेबसाइट कुछ इस तरीके से खुलेगी, ठीक है। अब अपन को कन्नड़ नहीं आती है, हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो आप यहाँ पर अपने जाना, क्रोम के ऊपर मैं चला रहा हूँ ये, और फिर यहाँ से आप अपना ये ट्रांसलेट पे चले जाना। ट्रांसलेट पे मैं इसको अब यहाँ से इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो अभी अपनी वेबसाइट कुछ हद तक इंग्लिश में चली गई है। अब हम लोगों को अपनी स्कीम जो है वो यहाँ पे जाना है होम लैम्प पे, इस येलो वाले पे अपन क्लिक कर लेंगे। तो ये अपना खुल गया भाई गुरुहा ज्योति स्कीम, ठीक है। अब इसके अंदर आप लोगों को सबसे पहले प्रेफर्ड लैंग्वेज यहाँ पे आपको अपनी सेलेक्ट कर लेनी है, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे डिटेल्स आ गई हैं। तो सबसे पहले आपको एसकॉम नेम, इसका मतलब आपका मतलब बिजली का किसके थ्रू आपका बिजली आती है। तो जैसे हमारी जो है वो बैस्कॉम के थ्रू आती है। ये चीज़ आपको कहाँ से पता लगेगी, आपका जो बिजली का बिल है उसके अंदर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो जो भी आपका बिजली का बिल आएगा ना वो कुछ इस तरीके का पर्चा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप लोग लोगो देखोगे ना तो उस पर आपको पता लग जाएगा कि आपका कौन सा है। तो हम लोगों का जैसे कनेक्शन बैस्कॉम का आता है, तो ये मैं बैस्कॉम का इसमें डाल दूंगा। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है अपना बैस्कॉम, और उसके बाद फिर अकाउंट आईडी, ये वही आईडी है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। ये आपके इस बिल के ऊपर ही आपकी अकाउंट आईडी आ जाएगी, जैसे कि मेरी अकाउंट आईडी यहाँ पे है, तो अकाउंट आईडी यहाँ पे डलेगी। उसके बाद होल्डर नेम, आपके ओनर का यहाँ पे नाम आएगा, ओनर का ये जो एड्रेस है जिस एड्रेस पे आप अप्लाई करना चाहते हो वो आपका एड्रेस यहाँ पे इस फील्ड में आ जाएगा। फिर ऑक्यूपेंसी के अंदर अगर आप टेनेंट हो, इसमें तीन ऑप्शन दे रहा है, अगर आप ओनर हो तो ओनर सेलेक्ट करोगे, टेनेंट हो तो टेनेंट, और फैमिली मेम्बर हो तो फैमिली मेम्बर। तो जैसे मैं टेनेंट हूँ तो मैं टेनेंट सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा अपना आधार नंबर इस लोकेशन पे, तो आधार नंबर डाल देना। उसके बाद आधार में आपका नाम जो है, और इस मोबाइल नंबर के अंदर कम्युनिकेशन जिस पे भी आप लोगों को बिल वगैरह चाहिए, ठीक है, वो यहाँ पे नंबर डालना। नंबर करेक्ट होना चाहिए क्योंकि इसके बाद ओटीपी भी वो मांगेगा, और लास्ट में डिक्लेरेशन आएगा, यहाँ पे आप एग्री करके इसको सबमिट कर देंगे नीचे वेरिफिकेशन कोड डाल के। तो सबसे पहले मैं सारी डिटेल्स भर लेता हूँ, फिर इसको जब अप्लाई करूँगा तब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो पहले मैं अपनी इन्फॉर्मेशन भर लेता हूँ। अभी भाई मैं अपनी कनेक्शन आईडी डाल रहा हूँ, यहाँ पे अकाउंट इज़ डुप्लीकेटेड दिखा रहा है। तो अभी अपन एक बार इसको दोबारा से रिफ़्रेश करता हूँ इस पेज को, और फिर मैं ट्राई करता हूँ, दोबारा डाल के चेक करता हूँ। दोबारा से अकाउंट आईडी डुप्लीकेट देखना पड़ेगा भाई, अकाउंट आईडी इज़ डुप्लीकेट वाला जो इशू आ रहा है ना, अभी बैस्कॉम को कॉल मिलाया मैंने, देखते क्या बोलते हैं।
call is important to us. Please wait while one of our customers... मैम कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? या सो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू अप्लाई फॉर दिस गृह ज्योति स्कीम. ओके सो व्हेन आई एम पुटिंग द अकाउंट आई डी इट इज शोइंग मी दैट अकाउंट आई डी इज डुप्लीकेट. हेलो अरे भाई बोल भी लो भाई, फ़ोन उठा के भी बोल ही नहीं रहा कोई. दोबारा करता हूँ 1912 अगर आप लोगों को ही कॉल करना हो तो. अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर भाई देखो ये एरर दिखा रहा है, अकाउंट आईडी इज़ डुप्लीकेटेड. सो देखते हैं क्या रहता है, कुछ जवाब मिलता है नहीं मिलता. हेलो फॉर दिस स्कीम यू विल गो टू अप्लाई फॉर गृह ज्योति. यस सो इट विल बी शोइंग ए डुप्लीकेट अकाउंट आईडी राइट? करेक्ट. दिस समझ तो गए भाई, इस बार समझ गए. देखो कुछ सॉल्यूशन मिलता है. यहाँ मुझे भाई पता नहीं है न्यू है या पुराना, बट न्यू बोल दिया मैंने क्योंकि ये सोसाइटी एक्चुअली अभी नई बनी है तो शायद नया ही होगा मीटर. बाकी अभी देखते हैं. यस मैम. हेलो. यस मैम. थैंक्स फॉर बीइंग ऑनलाइन सर. इट विल बी न्यू मीटर राइट? यस मैम. सो दैट्स व्हाई इट विल बी टेकन फॉर द टाइम फॉर 3 months सर. सो व्हाट कैन बी द रीजन फॉर दिस अकाउंट आईडी डुप्लीकेटेड? दिस इज न्यू मीटर राइट? न्यू मीटर इट विल बी टेकन फॉर द 3 months टाइम. सो दैट्स व्हाई सर. New meter, Rojyoti only applied for 50 units. 50 units? Yeah. Okay, so now they are only giving 50 units free, right? Yes, sir. So, भाई बात कुछ ऐसी, अगर आप लोगों के नए मीटर लगे हुए हैं ना तो उस पर सिर्फ 50 यूनिट दे रहे हैं भाई ये लोग, 50 यूनिट की सब्सिडी है. पहले के जो मीटर लगे हुए हैं उन पर 200 यूनिट की, मतलब पिछले बार मैं जहाँ रह रहा था ना भाई वहाँ पे 200 यूनिट तक का फ्री था सब्सिडी, बट यहाँ पे न्यू मीटर है तो 50 यूनिट तक है. यस मैम. हेलो. उसको के टाउन लिमिट राइट? यस. 944 थैंक यू. सो भाई बात कुछ ऐसी है, अगर आप लोगों के नए मीटर है अपने ओनर वगैरह से पूछ लेना, अगर नए मीटर है तो भाई सिर्फ 50 यूनिट तक फ्री है, ठीक है. अगर पुराने मीटर है तो 200 यूनिट तक आप लोगों की सब्सिडी मिलती है, ठीक है. पूरे के पूरे बैंगलोर के अंदर ये रूल है. अभी मैंने आप लोगों के सामने बेस्कॉम पे कॉल करके बात करी है, ठीक है. तो शायद ये जहाँ मैं रह रहा हूँ ना अभी भाई, ये बिल्कुल नई सोसाइटी बनी है तो आई थिंक ये नया मीटर ही है, और इसलिए अभी वो कह रहे हैं कि नए मीटर के अंदर 3 महीने आप लोगों को रुकना पड़ेगा. 3 महीने के बाद आई थिंक ये इशू रिजॉल्व हो जाना चाहिए अकाउंट आईडी डुप्लीकेट वाला. तो अभी तो यही इन्फॉर्मेशन है पूरी जो मैंने आप लोगों को बताई है, तो अभी मेरा भी अप्लाई नहीं हो पा रहा है, थोड़ा वेट करते हैं. अगर कुछ अपडेट आती है तो मैं आप लोगों को इसी चैनल पे भाई अपडेट करूँगा. तो डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो. सो ओके, गुड बाय.